नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को एक महीने ही रह गया है। राजनीतिक पार्टियों और निर्वाचन विभाग तो एक्टिव है ही, साथ में पुलिस भी आचार संहिता के दौरान लगातार कार्यवाहियां कर रही है। इसी क्रम में उदयपुर में देर रात पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। यहाँ पर देश भर में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बड़ी खेप मिली है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 5,000 से ज्यादा बोतलें बरामद की है और इसे सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार ये दवाइयां युवाओं में सप्लाई की जाने वाली थी। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि यह कार्यवाही शहर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने की है। थाना अधिकारी अजय सिंह राव को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के पास कुरावर निवासी एक युवक गति एक्सप्रेस एंड सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ब्लॉक ए ट्रांसपोर्ट नगर बदलीचा के मार्फत नशीली दवाई कोडी नियुक्त का माल मंगवाया है, जो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गति ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर पड़ा हुआ है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और औषधि नियंत्रण अधिकारी को भी बुलाया गया। गोदाम में चेक किया गया तो 50 कार्टन कोडीन सिरप मिले। जी हां, इसके बाद गिनती की गई तो 5,000 से ज्यादा बोतलें निकली है। वहीं जांच में सामने आया है कि पुलिस टीम द्वारा जब्त की गई प्रतिबंधित दवाई कोडीन में अफीम की मात्रा होने से इस दवाई का उपयोग मौजूदा समय में लोग नशे के रूप में करते हैं। वहीं अधिकांश शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लोग इस दवाई का प्रयोग नशे के रूप में कर रहे हैं।